अगले क्रिसमस को हम तुम्हें भी परी बना देंगे बेटा। फैंसी ड्रेस नहीं मम्मी, उड़ने वाली परी। अरे ये सब तो सेंट एंथनी के रखवाले हैं, सिर्फ शुद्ध आत्माओं को ही दिखाई देते हैं, तभी हमें नहीं दिखते। आपको दिख रहा है क्या? तुम्हारे खानदान के यहाँ आने से पहले तक मुझे भी दिखाई देते थे, अब नहीं दिखते। इससे कब छुटकारा मिलेगा जीसस? हाँ बोलो। कोई प्रॉब्लम है? तू ये बता कितना डर क्यों रहा है? नहीं, डरने की बात तो नहीं है। जहाज कल कोची पहुंच रहा है मेरे प्यारे। हम ये डील आंची को ही देंगे। डॉर्विन को बेकार में गुस्सा क्यों दिला रहे? देख लेते हैं क्या कर लेगा वो। पिताजी मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, आपको वो छोड़ेगा नहीं। आने दो उसे, मैं देख लूंगा। अरे प्रांची, हाँ, हाँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मोनियो हटाओ ना इन लोगों को, कुछ थोड़ा ऊपर उठाओ, उन्हें भी तो देखने दो सोने से बने हुए संत। अरे ये क्या कर रहे हो? भैया कहाँ है? अरे अभी यहीं कहीं तो थे। कहाँ? कहीं दिखाई नहीं दे रहे। अबे ओ प्रांची, जब से तूने उस कमीने के साथ बिजनेस शुरू किया था तब से सोच रहा हूँ कि तुझे डिलीट कर दूँ। अगर कल का लोड तू मेरे गोडाउन में पहुँचाएगा तभी तू क्रिसमस की पार्टी अपने परिवार के साथ मनाएगा, नहीं तो सब लोग मिलकर तेरा अंतिम संस्कार करेंगे। कल का लोड मैं सिर्फ सोलोमन को दूंगा, मारना है तो मार डाल, लेकिन याद रख क्रिसमस के खत्म होने से पहले तुम्हारी लाश गिरेगी। कल का सूरज तो तुझे नहीं दिखने वाला और तू मुझे मारने की बात कर रहा है? अच्छी तरह से सुन ले, आज तेरा आखिरी दिन है। तेरे कटे हुए सिर के ऊपर से कल मेट्रो ट्रेन गुजरेगी। फ्रांची बेटा तू तो गया, तुमसे तो सेंट एंथोनी जवाब मांगेगा कमी। सेंट एंथोनी का तो मैं देख लूंगा, पहले तू अपना रास्ता नाप। ये सब क्या है? क्रिसमस था ना, सोचा कुछ सेलिब्रेशन और कलर हो जाए। ये बलून सब सस्ते में मिल गया था, और ये गुब्बारा, फिर ये सींग और कुछ पटाखे भी। क्या बकवास कर रहा है? बंद कर ये सब, चल उठा ये सब। मैंने कहा उठा, जल्दी कर जल्दी कर। हिल रहा है, इसमें क्या है? ये कार्टून है। इसमें कुछ भी हो तुझे क्या? तुम क्या? इसमें क्या चीज है? चल उठा इसे। चल 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 चल। इस बोरे को मॉल के सामने, मतलब ठीक मॉल के अपोजिट, मेट्रो स्टेशन के अंदर अंदर दोनों पटरी के बीच में रखना है, अंदर। समझ गए अच्छी तरह से? चिंता मत करो भैया, आपका काम ठीक से हो जाएगा। ओके, बेकार में चिंता करते हैं। ओके गुड नाइट भैया। आजकल इन सबको बहुत नखरे आ रहे हैं, क्या हुआ इस तरह से मुंह लटका के खड़े हो? चलो अपना काम करो भैया। क्या हुआ? आपके लिए भी खरीदा था ये एक। ये वलक्कील जोसेफ और कोच्चू मरियम का बेटा, इसका नाम है डार्विन।
अपने व्यवहार और सादृश्य से ये गोरिल्ला डार्विन नाम से जाना जाता है। ये है इस कहानी का प्रोटागोनिस्ट यानी कि हीरो। कितने का दिया ये? 250 रुपए किलो। ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हड्डी और चर्बी हटा के सिर्फ फ्लैश 1 किलो देना। क्या है कि ये कुत्ते के लिए नहीं है ना? सबको मांस ही चाहिए, फिर हड्डी और चर्बी कौन खाएगा? एक हफ्ता हो गया गैस खत्म होके, किससे कहूं मैं? इस नरक में काम करते करते मर ही जाऊंगी। ओ, ये सब देखते वक्त मुझे और भी गुस्सा आता है। जाके टीवी सीरियल में काम क्यों नहीं करती ये? ये लो बेटा। हाँ, सुबह सुबह किससे झगड़ा कर रही है वो? तुम तो सबको जानते ही हो जॉन, इसको शादी करके लाने से कोई फायदा नहीं। अब ये बताओ, मैं अकेले इस घर का काम कैसे करूं? धीरे बोले माझी, वो सुन लेगी। सुनने दो। मर्सी, किचन में जाके कुछ मदद कर। बेटा तुम यहाँ बैठ जाओ और टीवी देखो। हाँ माँ, ये 2 किलो लाया हूँ, नारियल डाल के बनाना। हा? नारियल डाल के बनाने को अपनी बीवी को बोल, मैडम अंदर आराम कर रही हैं। मेरी प्यारी माँ, सुबह सुबह से शुरू मत हो जाओ, मेरा साला बैठा है, अच्छा नहीं लगेगा। अब डॉक्टर ने ही कहा है ना उसे आराम करने के लिए। क्या माँ तुम भी। सुन बेटा, मैंने भी 2 बच्चों को जन्म दिया है, दोनों नॉर्मल हुए थे, लेकिन मैं नौटंकी करके लेटी नहीं रहती थी। अब तू देख लेना, ऑपरेशन के लिए 30-40 हजार देने पड़ेंगे तुझे। जब वो प्रेग्नेंट नहीं थी तो घर का पूरा काम तो वही संभालती थी ना। माँ, आप मुझे चैन से बैठने दोगी या नहीं दोगी? हाँ हाँ, मैं ही तुम्हारी बीवी का जीना हराम कर रही हूँ, जाके प्रार्थना कर कि मैं मर जाऊँ। प्रिंसी, मैं कुछ मटन खरीद के लाया हूँ, किचन में रखा है, जरा उसकी करी बना देना। तू रुक जा। वाह, बहुत बढ़िया, मेरा बेटा कभी कभार आता है और उसे यहाँ भी ढंग का खाना ना मिले, ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। शुरू हो गई नौटंकी। पति को देखते ही सारी परेशानियां दूर हो गई। तू यहाँ पर क्यों खड़ी है, जाकर टीवी देख। सुनिए तो, हट जा वहां से, जाके फेंक दे। तुम्हारा पैसा नहीं है ना, मेरी पेंशन का पैसा है। देखती हूँ तू और कितने साल ऐसे ही जीने वाला है। रोज 3-4 बार मोटर चलाओ, रात 12 बजे तक कमरे की लाइट जलती रहती है। तेरी बीवी 1 महीने का पैसा 1 हफ्ते में खत्म कर देती है। अगर ऐसे ही सब कुछ बर्बाद करना है तो निकल जाओ तुम दोनों यहाँ से। ओ, तो इसीलिए सुबह सुबह ये ड्रामा शुरू किया था क्या? 1 महीना मेरी नौकरी क्या चली गई? आपने हिसाब किताब करना शुरू किया? उसके पहले तो मेरी पूरी महीने की सैलरी मैं आपके ही तो हाथ में ला के देता था ना, फिर आपका ये पेंशन। 20-30 सालों में मेरे पापा ने KCB कंपनी में काम किया था, उसी का तो पेंशन मिलता था आपको। कमाल करती हो माँ। ठीक है, हम निकलते हैं, ये और मैं इसी वक्त यहाँ से निकलते हैं। ये तो आपके पेंशन से नहीं खरीदा था ना, ये टीवी सीरियल देखने के बाद ही इस घर का चयन बर्बाद हो गया है। अब निकलता हूँ यहाँ से। हम कहाँ जा रहे हैं? पता नहीं। कोचु परम्बिल फिलिपो से
और अन्नमा दंपत्ति की दूसरी औलाद है अनिल अंटो। सुनने में अजीब सा लगेगा पर इस कहानी में जहां गोरिल्ला डार्विन हीरो बना है वहीं उसका विलेन यही अनिल है। सीन पकड़ लिया। बढ़िया है ना? पकड़ लिया ना? उसके बाद ये सब स्लो मोशन कैमरे से स्लो मोशन में कैप्चर करना चाहिए। स्लो मोशन? उसी से फिल्म शुरू होगी क्या? मैंने जो कॉन्सेप्ट सोचा है ना वैसा है कि आसमान से लाल मिर्ची बरसती है और बीच में भागते हुए विली। लाल और हरी मिर्च? हाँ बताओ। सिर्फ हरी हरी मिर्च के बीच में भागता हुआ विली। हरी मिर्च क्यों? बेटर होगा ना? मिर्च बरसेगी। हरी मिर्च, हरी मिर्च ठीक है। बादाम जूस सेम पंच। वो तो कोई बात नहीं, जो चाहे बदल लो। अब आप एक काम कीजिए, कॉस्ट्यूम बदल कर आइए। ओके ओके, एक मिनट एक मिनट। क्या है? चड्डी का ऐड करने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? प्रॉब्लम क्या प्रॉब्लम? ये विजय सूर्या कैसे स्टार बने अंडरवियर का ऐड करके? हाँ। तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं अभी आता हूँ। मिस्टर विली एक मिनट। मैंने वो 10,000 के लिए बोला था ना, क्या अभी हो जाएगा? नो प्रॉब्लम। वन सेकेंड, वन टू। हाँ, पहले हम कुछ ट्रायल शॉट के लिए एक पोर्टफोलियो करेंगे। ओके। उसके बाद हम चड्डी बनियान पर एक शॉट लेंगे। ओके ओके, तैयार हो जाइए। जाइए। ओके, तैयार हो गया था। स्पॉट, बादाम मिल कहाँ है? एक्शन। जरा रुकना। आराम से आराम से। हाँ हाँ। हेलो। अरे हाँ, हम यहाँ पहुँच गए हैं बस स्टैंड पर। तू अपना एड्रेस बताना। देख लिया इस तरफ। हाँ। ए, तू गाड़ी से नहीं उतर रहा? हम रजनीकांत थोड़ी हैं। अरे अनिल, सब ठीक है ना? बाकी क्या चल रहा है? बस में आना जाना सीख लिया क्या? हम लोग जिम मेट्स हैं। नमस्ते। अच्छा। याद है मैं आपकी शादी में आया था? हाँ हाँ। ये है वास्को और ये है थॉमस। हाँ। हाँ। आ जाओ, चलते। चलिए। थोड़ा और लीजिए ना। नहीं नहीं बस, लगातार बैठे रहने से थकावट हो जाती है। बहुत दूर है ना, आप लोग ट्रेन से क्यों नहीं आए? कोई बात नहीं, आराम से सो जाएगा, ठीक हो जाएगा। उसके बाद गर्म पानी से नहा लेगा, सब नॉर्मल। ए, तू वहां क्या देख रहा है? कुछ खाना? माँ से बात की? नहीं, तुम्हें इस हालत में वहां से निकलकर 6-7 घंटे हो गए हैं। फोन तो वो भी कर सकते थे ना। हम वापस क्यों नहीं जाते? क्या करेंगे? तुम डरो मत, हशर ने कहा है कि मेरे लिए कोई काम देख के रखा है। बस रहने के लिए छोटा सा घर ढूंढना होगा। ये सो गया? इसे तो नींद आ ही जाती है। क्या हुआ? फालतू बातें सोचना बंद करो और सूप पियो। मटन हेड सूप होटल में भी तो मिलता है, उसके लिए आने की क्या जरूरत थी? आप मेरे विषय में कुछ कर सकते हैं या नहीं? अरे यार, तुम पुलिस वाले हो और मुझे सुपारी दे रहे हो,
तुमने वो वीडियो वापस ले लिया? वो कह रहे हैं उसे व्हाट्सएप पे रिलीज कर देंगे। है? क्या कब कर रहे हैं? तेरी तो इसे बहुत जल्दी पड़ी हुई है जानने की। मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा इस तरह। अरे बर्बाद तू अकेला तो नहीं होगा ना, उसकी बहन भी तो बदनाम होगी। ये क्या नई नौटंकी? नौटंकी नहीं, नया आइटम है। हैं? तुम्हें क्या हुआ? टॉयलेट में गिर गया था। वेस्टर्न था? वेस्टर्न ही होगा। भैया वो आया है। कौन आया है? कहानी सुनाने। कब टाइम होगा? जाओ उसे लेकर आ। यहाँ? मैंने कहा ना उसे लेकर आ। ओके थैंक यू। मैं निकलता हूँ। आप फिल्म बनाने वाले हैं? मेरा दिमाग थोड़ी खराब है। तूने बस स्टैंड पर फ्लेक्स बोर्ड देखा जिसमें चड्डी पहनी है इसने? जाते वक्त नजर डाल लेना, जबरदस्त है। कहानी मसाले वाली है ना? मसालेदार है ये। हाँ। मेरी नाक कटवा के रहेगा। आओ धूम मचाते। अरे आराम से, पट्टी टूट जाएगी। भैया ये कहानी सुनाएगा रवि। मेरा नाम है। चलो बैठो खाना खा लो। बाप रे। सामने बैठकर जोर से बोलो जिससे सबको सुनाई दे। अरे ठीक है। हाँ। तुम्हारा बैग ये लो। अरे वहां बैठ सकता हूँ ना? ओ हाँ ओके ठीक। हाँ, हाँ। शुरू हो जाओ। थोड़ा पानी दो ना। ये लो पानी, पी लो पी लो। सर कहानी कोच्चि से शुरू होती है। एक खतरनाक डॉन, सारा कोच्चि उसके कंट्रोल में है। खतरनाक गुंडों और अपराधियों के इस शहर में एक शरीफ और समझदार युवक आता है। वो मैं हूँ। पर वो भी एक छोटा मोटा गैंगस्टर है, वो डॉन का भरोसा जीत लेता है। और एक समय डॉन को पता चल जाता है कि ये विली एक पुलिस कमिश्नर है। शशि कुमार आईपीएस। कोई नहीं लेगा। डॉन एकदम टूट जाता है। हाँ? ये तो वांटेड है। हाँ? ये क्या कह रहे हो? सलमान खान सही कह रहे हो, ये तो वांटेड है। हाँ? अरे वांटेड से थोड़ा सा सीन लिया है लेकिन पिक्चर एकदम अलग है। एक अच्छा कैमरामैन लेंगे, ठीक है? हाँ, कैमरामैन बदलेगा तो पिक्चर बदल जाएगी। हमारे पास कैमरामैन नहीं है। ये नई पिक्चर होगी। हाँ, वर्ल्ड क्लास बनेगी। दूसरा कैमरा है ना? ये नकल मारना सही नहीं होगा। अगर करना है तो कुछ ओरिजिनल करना पड़ेगा, नहीं तो सब कुछ बेकार है। मैं कहानी सुनाता हूँ। कहानी? जैसा कि तुमने कहा, एक डॉन। एक स्मगलर। ये तो सिंघम के सूर्या की तरह है। हाँ, सूर्या की तरह। हाँ, ओ, ठीक है, ओके। बेटी के पैदा होते ही उसकी बीवी की मौत हो गई। ओहो। और फिर वो अपनी पूरी जिंदगी अकेला ही जीता रहा। लेकिन अब उसे किसी से प्यार हो गया है। लेकिन
अब उसके प्यार में मुश्किलें आ रही हैं। एनसी सुनो ना, तुम्हें क्या चाहिए? काफी दिनों से देख रही हूं। एनसी, मैं तुमसे प्यार करता हूं और तुमसे शादी करना चाहता हूं। अगर फिर से यहां नजर आए ना तो बहुत पिटोगे। और फिर? ये सब कुछ डॉन की वजह से नहीं हुआ। फिर? दरअसल उसके घर का बैकग्राउंड जो था कुछ अच्छा नहीं था। ओह, कितने अफसोस की बात है। कहने का मतलब कि डॉन के पिताजी चोर थे और उसके दादाजी भी जाने माने चोर थे। अगर मैं सही बात कहूं तो एक चोर के घर में सिर्फ एक चोर ही पैदा हो सकता है। हाँ, तेरी तो छेड़ दूंगा इसे। हंस क्यों रहे हो तुम लोग? तुम लोग इस प्यार को कामयाब करने के लिए कुछ कर सकते हो? अब तो फंस ही चुके हैं। किसी भी फिल्म में गाना तो उसकी खूबसूरती होती है। पहले अपना दायां पैर अंदर रखना, यहाँ पर सारी फैसिलिटी है। अरे वास्को, तुमने यहाँ की फैसिलिटी के बारे में इनको बताया नहीं था क्या? कोई एग्रीमेंट नहीं होगा, जब हम कहेंगे तब खाली करना होगा। हाँ। दोनों घरों के बीच में एक ही मीटर है, चलो देख लो। हम लोग सिर्फ दो ही बल्ब लगाते हैं, एक हॉल में और दूसरा टॉयलेट में। हालांकि यहाँ पर तो दो टॉयलेट है। हाँ। लेकिन हम अभी के बिल में सिर्फ 100 रुपया ही देंगे, बाकी के पैसे तुम्हें ही भरने होंगे। आओ, ये देखो, ये खिड़की खोलने पर बाहर से ठंडी हवा आती है, एसी की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन खिड़की संभाल कर खोलना। और हाँ, घर के पीछे कूड़ा मत फेंकना, कूड़ा गेट के बाहर रख देना, जब कूड़े वाला आएगा वो ले जाएगा, ठीक है? शराब पीना और झगड़ा करने की मनाही है मेरे घर में। हाँ। अगर ऐसा करोगे तो उसी वक्त घर से बाहर निकाल दूंगा। हाँ, ये बहुत सख्त इंसान है। अच्छा वास्को, ये सच में शादीशुदा है या फिर कोई और मामला? हाँ, शादीशुदा है। ऐसे ही पूछ लिया, जानना अच्छा होता है ना। अच्छा, एडवांस मैं आज ही लूंगी, मुझे अपनी माँ के लिए एसी खरीदना है ना। यार, ये एडवांस बहुत निकम्मे लोग हैं। जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता तुम मेरे घर पे क्यों नहीं रहते यार? नहीं यार, उसकी जरूरत नहीं है। ये घर भी ठीक है, ये घर सच में बहुत अच्छा है। ए, रुक रुक, अरे मेरे लिए रुकना। यहाँ सोफा सेट और यहाँ पर कारपेट रहेगा और यहाँ कॉट रखेंगे। अलमीरा को हम यहाँ रख सकते हैं और यहाँ इतनी जगह बच जाएगी। अभी हमें जितना चाहिए ये उतना नहीं है। तो फिर कुछ 10 किलो चावल और दाल भी। और उसके साथ बर्तन भी तो लगेंगे। जब से हमारी शादी हुई है तब से आज तक मैंने तुम्हारी कोई भी ख्वाहिश पूरी नहीं की है। चाहो तो मेरी एक ख्वाहिश अभी के अभी पूरी कर सकते हो। वो वही है ना जो तुम्हारी कोख में है, और क्या है? मेरा मसाला डोसा खाने का मन है। ये सिर्फ 8 ग्राम का है, इसके 9,000 ही मिलेंगे। इससे ज्यादा नहीं मिलेंगे? इसका रेट इतना ही है, और नहीं मिल पाएगा। इससे ज्यादा नहीं मिलेगा? तुम्हारे पापा जोसेफ ने अपनी नाव और चाल बेच के ये चेन खरीदी थी, एक बार बेच दी तो वो फिर वापस नहीं मिलेगी, इसे गिरवी ही रखते हैं। चलेगा, पैसे। ओके सर। वो एक गिलास 75 रुपए का है, हम नहीं ले सकते, उसे रहने दो। अभी तो ये 14 रुपए का गिलास ही काफी है। मेरे पास कुछ और पैसे आने दो तो मैं तुम्हें चांदी का गिलास दिलाऊंगा।
चलेगा? चुम्मा चुम्मा दे दे भाई, बिल्कुल ताजी मछली मिलेगी क्या? उसके लिए बंदर पर जाना पड़ेगा, यहाँ पर तो किसी के पास अब मछली बची ही नहीं है। हाँ लेकिन 6 बजे पहुँचोगे तो ही मिलेगी। पीछे हटो, पीछे हटो। अरे अरे, इतना सब बताने के बाद भी ये क्या कर रही हो? तो क्या ये मछली की गंदगी तुम्हारे मुंह में डालूं? हाँ, कुछ भी बोलते हो। कोई बात नहीं, चलो आगे चल के देखते हैं। लो, अनिल भी आ गया। काफी देर से इंतजार कर रहे हो क्या? कब आया आप लोग? अभी अभी आया। कहाँ गए थे तुम दोनों? ये कुछ सामान खरीदना था, उसके बाद चर्च भी गए थे। आओ ना, अंदर आओ। अरे वाह, बहुत सारी सब्जियां लेकर आए हो। आइए यहाँ बैठ जाइए। अमला, चाय अभी लेकर आए? हाँ यार, जरूरत भी थी। यहाँ बहुत गर्मी है यार, थोड़ा फर्नीचर होता तो। फर्नीचर तो खरीद ही सकते हैं, कभी भी आ जाएगा। इसे वहां रखो, वहां वहां, जरा संभाल के। मुझे नहीं लगता इतना सारा सामान इस घर के अंदर रख पाएंगे हम लोग। हाँ। अरे सॉरी यार, रात को डिस्टर्ब किया तुम्हें। यार ये सब क्या है? यार ये कुछ सामान मेरे घर में पड़े थे, इन्हें यहीं पे रहने दो। तुम नया लोगे तो मैं वापस ले जाऊंगा। और इस बाइक को बहुत संभाल के रखना, मेरे पिताजी ने पहली सैलरी से खरीदी थी इसे। थोड़ी पुरानी है लेकिन पिताजी की यादें हैं इसमें, अपने पास ही रखो। तुम्हें पता है बहुत मैजिकल है ये। ऐसा क्यों? 100 का पेट्रोल डालो, 500 के जितना चलती है, सुपर है। 100 रुपए भी क्यों खर्च करता है? 500 रुपए रिक्शे पे खर्च करना है, इससे भी तेज भागेगा। हाँ यार, ये एक जहरीला पौधा है। चुप रे, तुम जाकर चाय बनाओ ना, कुछ भी बोलता रहता है। शुभ शुभ बोलना। कुछ भी बोलता रहता है। चल आ जा। अरे चल, चल। वो सिलेंडर दो। लो मुझे पकड़ो दो। इसे। हाँ। यार जॉब का कुछ सोचा है कि नहीं? हाँ, थॉमस नगर में डिश टीवी के ऑफिस में टेक्नीशियन की एक जगह खाली है, वहां जाके देख लेता हूँ। चाय। अनिल, प्रेस में एक वैकेंसी है, आमला को वहां भेजोगे क्या? मैं उसके साथ ही रहूंगी। वो तो मुमकिन नहीं है। उसमें क्या, कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, देख लेना ना। तू बिल्कुल सही कहता है, वहां उसका वक्त भी कट जाएगा। थैंक्स। हे, क्या यार ये सब दोस्ती है। ओके, गुड नाइट। ओके, गुड नाइट। ये ठीक है ना फादर? क्यों भाई, नाम क्या है तुम्हारा? अनिल। अच्छा हिंदू हो? नहीं, क्रिश्चियन हूँ, अनिल एंटो। अच्छा तो एंटो हो तो तुम कॉफी पीकर जा सकते हो। नहीं फादर, और भी 2-3 काम है। अच्छा क्या हुआ? आप चर्च आ रहे हैं ना? आ रहा हूँ। अरे नहीं फादर, मुझे कंपनी से मिल जाएगा। अरे रखो, रविवार को चर्च में बिना भूले आ जाना। जा, चलता हूँ। अरे डार्विन, आज यहाँ चर्च में कैसे? फादर, यहाँ आने में शांति मिलती है। अच्छा है, यीशुआ ऐसे ही शांति बनाए रखे। ये सब छोड़िए फादर, मुझे एक बात बताइए, क्या हमारे परमेश्वर का चर्च ऐसा होना चाहिए? कितने दिनों से यहाँ का काम रुका है, मैं चाहता हूँ जल्द शुरू हो। जब तक स्टे नहीं हटेगा काम कैसे शुरू होगा? देखिए ये सारी प्रॉब्लम्स मैं संभाल लूंगा फादर, बस मुझे ये बताइए कि काम कब शुरू होगा यहाँ। अच्छा, तुम्हारे मन में ये बात कैसे आई? वो क्या है कि मैं सच कहूँ तो मेरे सपने में परमेश्वर आए थे। उन्होंने मुझसे कहा कि डार्विन, आज से तुझे पुण्य के रास्ते पर चलना होगा। मैं पहले वाला डार्विन अब नहीं रहा। अपने गुनाहों के प्रायश्चित के लिए और अपने मन की शांति के लिए मैं इस चर्च को अच्छी तरह से फिर से बनवाना चाहता हूँ फादर। चलो चलो चलो, उतारो उतारो, ईंटें उतारो सारे, सीमेंट भी। थोड़े मारना, तोड़ने जा रहे हो। बहुत पतला है, अनलोड करो।
एक बात पूछूं फादर, ये डार्विन के सपने की बात सच है क्या? कौन जाने। अच्छा फादर, कोई सपना आया था क्या? अब तुम्हें क्या पता करना है, क्या मुझे कोई सपना आया या डार्विन को कोई सपना आया। देखो जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है, चर्च का काम होने दो। फादर, ये डार्विन कुछ दिनों से यहाँ पर घूम रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये एनसी टीचर के पीछे पड़ा हो? मुझे पूछने दो, तुम यहाँ क्यों खड़े हो, काम तो वहाँ हो रहा है। मुझे देखना अच्छा लगता है फादर। छोटा पापड़ जिसकी आंखें, छोटा पापड़ जिसकी आंखें, पापड़ जिसके गाल हैं, पापड़ जिसके गाल हैं, पापड़ जिसको माँ तलती है, पापड़ जिसको माँ तलती है, भैया जिसको खाता है, भैया जिसको खाता है, वो पापड़ तो गिर गया, वो पापड़ तो गिर गया। चले। पहले परमेश्वर के आगे प्रार्थना कीजिए और दिल से मोमबत्ती जलाइए। 9 हफ्तों तक मोमबत्ती जलाई तो हर मुराद पूरी होती है। कोचीन से यहाँ आने के बाद तुम्हारा विश्वास दोगुना हो गया है। बातें मत कीजिए और जाइए। हालांकि इस चर्च को बनाने के लिए कुछ कहा नहीं था, फिर भी उन्होंने इस चर्च को बहुत अच्छा बनाया है। हमारे फादर भी कुछ ऐसा ही चाहते थे, वैसा ही बनाइए। बेटी इसे अपनी मम्मी को दे दो। काफी दिन हो गए, तुम्हें जो कहा था याद नहीं? नमस्ते, कैसे आप? हाँ मैं अच्छा हूँ। हेलो, आया आया, हाउ आर यू? या नाइस। ये हीरो और विलेन की यहाँ पहली मुलाकात होनी चाहिए, यहाँ इस चर्च के घेरे में, जो कि ईश्वर की इच्छा है, क्योंकि उनकी कहानी में जो तीसरा पात्र है वो सुनहरे रंग वाला पुर्तगाली इंसान है। बच्चे का वजन थोड़ा कम है, थोड़ा अच्छे से खाना खाओ और अच्छे से रेस्ट लो। अगली बार फिर से टेस्ट करेंगे, तब हम देखेंगे। तब तक बिल्कुल भी तनाव मत लेना, ठीक है? बस बस, ये तुम्हारे लिए नहीं, मेरे बच्चे के लिए है। अगले 2 हफ्तों में 3-4 किलो वजन बढ़ना चाहिए। हाँ ठीक है ठीक है। फोन रिचार्ज कीजिए ना, माँ से बात करनी है। ठीक है, अभी आता हूँ। भाई एक 50 रुपए का रिचार्ज कूपन देना। We'll be right back.
कुछ नहीं होगा। नहीं रहा यार, कितने की चेन थी तेरी? सर, चेन चोरी होने का कम नहीं है। मेरा बच्चा, उसे किसी तरह पकड़ना होगा। आपको सब्र रखना होगा। आजकल चारों तरफ सीसीटीवी कैमरास लगे रहते हैं, कहीं ना कहीं उसकी फोटो आई होगी। हम उसे पकड़ लेंगे। उसे देखा था, खुशियों हजार उसकी आंखों में थी। फिर क्या हुआ अचानक जिंदगी बदल गई। यादों का था जो पन्ना यूं ही बिखर गई। ये क्या हुआ? सपना ही हुआ। फिर से घुमा दिया।
अरे जैसा है वैसा ही रहने दो ना, चला जाता है। अरे आ गया आ गया, उसे बोलो ऐसे ही रहने दे। बस 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 रहने दो, आ गया बस 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 बस, आ जाओ आ जाओ, उसको वैसे ही रहने दो ना। हाँ अभी ठीक है, चला गया। हाँ बस वैसे ही पकड़ कर बांध दो। अरे अरे यार तू समझ क्यों नहीं रहा है, मुझे लग रहा है प्रॉब्लम उसके अंदर है, तू उसे खोल के देख। सर बॉक्स खोलने की परमिशन नहीं है। अरे यार तू सिर्फ चेक कर। ए राजा हा? मुझे एक बीड़ी दे। हाँ ये लो, इसे पैरालिसिस हुआ है, ये मेरी माँ है, ये टीवी मैंने अपनी माँ के लिए लिया है, तू बस ठीक से चेक कर, ये टीवी ऑन हो ही जाना चाहिए। हाँ उसमें क्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यार। हेलो सरिता, अरे कहाँ हो तुम? सरिता तुम मुझे कब से बना रही हो? ए सोन इधर आना जरा। थोड़ा पानी दे मुझे। ए सरिता एक अरे एक किस दो ना। हाँ बस एक ही किस। मेरे लिए नहीं। क्या चल रहा है, तू मेरी माँ के पास क्या कर रहा है? माँ ने बुलाया तो। अरे माँ तू मुझे गुस्सा क्यों दिलाती है, दूसरे के कामों में जब देखो तब अड़ंगे डालती रहती है। हे इधर आ, देखो ये घर की बातें हैं, बाहर किसी को बताना नहीं। तेरे पास आईडी प्रूफ है क्या? क्या मैंने पूछा, आईडी प्रूफ है? ये है। कोल्हापुर, तो तू वहां रहता है? नहीं। तो एनारकुलम। एनारकुलम का है? गांधीनगर। गांधीनगर, सुन इसकी एक जेरोक्स निकाल, अगर इसने किसी को बताया तो इसे ठीक करने के लिए गांधीनगर जाना पड़ेगा। हाय दोनों साइड की कॉपी करूं कि एक साइड में चलेगा? अरे दोनों तरफ की कर। दोनों तरफ की चाहिए, एकदम बेवकूफ है। तू बस इसे ठीक कर, वो आ जाएगा। सॉरी भाई ब्रेक नहीं लग पाई। क्या बोलता है, दिखता नहीं है क्या? सॉरी साले तेरी तो। Yeah.
सर, सर, यही है जिसने मेरे वाइफ की चैन खींची थी, इसी ने मेरे बच्चे का खून किया था। यहाँ ये क्या हो रहा? सर, इसी की वजह से मेरा बच्चा नहीं रहा। छोड़ो से, मैंने कहा ना छोड़ो से। तुम होते कौन हो उसे मारने वाले? मेरा बच्चा। हम यहाँ हजामत बनाने के लिए बैठे हैं क्या? इतना मारूंगा कि चल निकल बाहर यहाँ से। अरे मैंने कहा निकल। यहाँ क्यों खड़े हो? अंदर आओ। सर अभी अभी तुम शांत लेकिन आओ आओ, आओ। ये आओ, आओ। सर बैठो बैठो बैठ जाओ। डार्विन का भाई निक्सन, एक और था विली। अरे यार ये डार्विन और उसकी गैंग बहुत खतरनाक है यार, उनका हम क्या करें? वो डार्विन का भाई निक्सन है, जबकि वो पागल है। इसकी तकलीफ क्या है, मैं क्या करूं? अब आप ही बताइए मुझे। डेढ़ महीना पहले ही वीजा आकर रखा है और ये अभी भी यहाँ घूम रहा है। अगर मैंने ये केस चार्ज कर दिया तो दुबई की बजाय वो मत्ता चेरी सब जेल के बाहर नहीं दिखेगा, समझ रहे ना? अगर तुझे पैसे चाहिए थे तो मुझसे कह सकता था। कैसा दोस्त है तू मेरा? जैक्सन मैं इसे ले जा रहा हूँ। भाई ये वही है। सुन ले, ये मेरा भाई है, तूने इसे मारा है, इसे मैं भूल जाऊंगा। ये पैसे ले और अपनी बीवी के लिए नई चेन खरीद ले। डॉन का आदमी होने के बाद भी मैं उससे मार खाकर आ गया, हमें उसको छोड़ना नहीं चाहिए। जान से मार दूंगा मैं, उसकी जान ले लूंगा। चुप कर।
तू कल सुबह 8 बजे की फ्लाइट से जाएगा और तू उसे खत्म नहीं करेगा। मैं करूंगा उसे। प्रभु यीशु हमारी रक्षा करना हमेशा हमारे। प्रेज द लॉर्ड। आप क्या हुआ बताइए ना क्या हुआ? यहां देखिए बताइए क्या हुआ? मैंने उसको देखा। किसे? वो यही है ना? वो मारा। मैंने बहुत मारा उसे। उसके बाद पुलिस स्टेशन ले गया। वो बोले वो आदमी पागल है और उसे छोड़ दिया। वो पागल नहीं है। वो पागल नहीं है। वो मुझसे झूठ बोल रहे थे। मैंने मारा उसे। बहुत मारा उसे। ले गया। ऐसी चोरी पहली बार देखी मैंने। टॉयलेट साफ करने का ब्रश भी चुरा कर ले गया। जिस पर तुम सोते थे वो पलंग भी चुरा कर ले गया। पता कैसे चलता उन्हें क्लोरोफॉर्म सुंघा के बेहोश जो किया गया था। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? कानून और कानून परिवर्तन की व्यवस्था अधिकारों की सूची से
वंचित वो उन लोगों में से एक है। उन दिनों अनिल को उस तथ्य का एहसास हुआ था, जिस जिंदगी को बचा के रखा था वो आंखों के सामने ही खत्म हो गई। लेकिन कुछ दिनों बाद नए अनिल एंटो का जन्म हुआ। मुझे लगता है किसी ने बदला लेने के लिए चोरी की है। वो तो कंफर्म है। कोई ब्रश पेस्ट और साबुन भी चुराता है क्या? लगता है ये डार्विन का काम है। अनिल ये भी ले ले क्या? हाँ चले चल। ए क्या हुआ रे? मैडम ये सब पैक कर दीजिए। हाँ, ओके। लेडीज काउंटर कहाँ है? वहीं पर है। चलो देख लेते हैं कुछ मिल जाएगा। अच्छा भाई अच्छा हुआ ये बाइक आपने यहाँ छोड़ दी। क्या हुआ तुमने सुना नहीं? अनिल के घर में चोरी हो गई है। कब हुई? सेफ्टी पिन से ताला खोलकर पलंग तक चुरा कर ले गया चोर। ये गाड़ी यहाँ थी इसीलिए बच गई। ये कब हुआ? दो दिन पहले। गाड़ी ठीक है? हाँ। कितना हुआ? जो इच्छा हो दे दो। ये हाँ ठीक है। सर मैं नीचे ही हूँ, फिफ्थ फ्लोर ना। हाँ गाड़ी का नंबर क्या था? KL7A7221 KL7A72 21 21। चोरी कहाँ हुई? कड़ावंतरा। अब बाइक के साथ साथ मोबाइल भी चोरी हो गया। मोबाइल भी? हाँ। मॉर्निंग सर। क्या केस है? इस आदमी की बाइक किसी ने चुरा ली सर। बाइक चोरी हुई है? तुमसे पूछ रहा हूँ बाइक चोरी हुई है? जी हाँ। कौन सी बाइक थी? KB 100। कौन चुराएगा इतनी पुरानी गाड़ियों को? किस टपोरी ने गाड़ी चुराई थी वही जानने के लिए मैं यहाँ आया हूँ सर। पुलिस स्टेशन में ऊंची आवाज में बात करेगा तू? तेरी तो खाकी पहनकर आप गाली दे सकते हैं क्या? तेरी तो तेरे घर में और भी चोरियां होती रहेंगी। कंप्लेन लेकर यहाँ तू मत आना, समझ गया ना? आप थोड़ी देर तो यहाँ पर बैठ। एक KB 100 जब इसका जोश कम हो जाए तब छोड़ देना।
हेलो, ये कौन है? हेलो बेटा अनिल, तू मुझसे बात तक नहीं करता? अमला कैसी है? वो ठीक है ना? तू उसे लेके आएगा ना? मुझे माफ कर दे बेटा, मैं कभी कुछ नहीं बोलूंगी। तू आएगा ना? मां मैं फोन करता हूँ। मैं यहाँ बहुत अकेला महसूस करती हूँ। मैं बाद में फोन करता हूँ ना? ठीक है। कुछ करना है भैया, कोई और रास्ता है भी नहीं। तुम कहां से हो? कोल्हापुर से। डार्विन का एक दादा है, पॉकेट मार पीटर, उसका यह स्टाइल है। दुश्मनों को लूट के तड़पाना, यह उसका स्टाइल है। डार्विन दूसरों से करवाता है। एक तरह से देखो तो उसका यह रिवेंज स्टाइल तुम्हारे लिए एडवांटेज है। चलो जान तो बची, अब तुम एक काम करो, गांव चले जाओ। डार्विन रिश्तेदार है एसआई जैक्सन का। भाई मैं तुम्हारी कुछ भी मदद नहीं कर सकता, सॉरी। तू कहीं नहीं जाने वाला है, तुझे सोचने की भी जरूरत नहीं है। एसआई जैक्सन के अलावा कई और पुलिस ऑफिसर भी हैं यहाँ। हम कमिश्नर से मिलके सीधा कंप्लेंट करते हैं। हैं? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? डार्विन के साथ दुश्मनी मोल लेके शहर में फैमिली के साथ रह सकता है क्या? ये सब तुम्हारे साथ होता तो भी वैसा ही कहता। तो बेहतर होगा कि मिलके मुसीबत झेलें हम लोग। हाँ वही ठीक होगा। अशर, हाँ? गाड़ी रोक। क्यों? मैंने कहा गाड़ी रोक। हे, अब से जो कुछ हो मैं खुद ही देख लूंगा। आप सब मेरे मामले में दखल मत देना। नहीं अशर, मेरी मदद करने के जुर्म में आप सबने बहुत झेला है, अब मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता। उसकी बात छोड़ यार तू। देख अशर, मुझे मेरे रास्ते छोड़ दो, मेरे पीछे मत आओ, पहले ही बोलता हूं, वरना मैं कुछ कर दूंगा। एसआई जैक्सन ने जैसे कहा ठीक वैसे ही हुआ। अनिल के घर में एक बार और चोरी हुई, एक छोटा सा डर जो दिल के किसी कोने में छुपा था, वो उस दिन उसे छोड़कर चला गया। सामने अब सिर्फ एक ही रास्ता था। आनंद चित्तन अय्यन स्वामी ये शरणम जय हे भगवान जय हो सबकी रक्षा करो प्रभु जय हो प्रभु। चोरियां अभी और भी होंगी। डार्विन के साथ तो सीधा टकरा नहीं सकता पुत्र। छे राजा भाई, इसीलिए तो आपको ढूंढते हुए यहाँ आया है ये। ओ वो तो मैं भूल ही गया। अच्छा क्यों ना हम उसका सर काट दें? वो सब नहीं चाहिए। तो फिर दोनों टांगे काट देते हैं। वो भी नहीं। तो फिर तू चाहता क्या है? ये उसका उसकी नींद हराम होनी चाहिए, उसे मैं मेंटली टॉर्चर करना चाहता हूँ। समथिंग डिफरेंट। उसकी नींद हराम और उसे मेंटल टॉर्चर करना है? हाँ। ये नहीं हो सकता राजा भाई, मन लगाओ तो सब कुछ होगा। अरे ये मुश्किल है भाई। देखिए जो भी हो मैं करूंगा। ठीक है बता कितना देगा। अरे वो क्या देगा, उसके पास तो कुछ भी नहीं है भाई।
हाँ वो तो सही है। ठीक है मेंटल टॉर्चर करते हैं, उसकी नींद भी हराम हो जाएगी, फिर तुम कहीं और चले जाना। लेकिन हमें तो यहीं पे रहना है ना, जीने के लिए पैसे भी चाहिए। डार्विन से मैं तुम्हें 10 लाख रुपए लेकर देता हूँ, तुम उसमें से मुझे 5 लाख, नहीं नहीं बस तुम मुझे 1 लाख रुपए देना। नहीं पर 10 लाख रुपए आप डार्विन से कैसे लेके देंगे? यही तो है राजा ये अपन का काम, किडनैपिंग। डार्विन की बेटी स्टेफी, उसको हम इजी वे में किडनैप करेंगे, उसके बाद डार्विन को कॉल करेंगे और उससे 10 लाख मांगेंगे। अपनी बेटी की किडनैपिंग की बात सुनकर वो टेंशन में आ जाएगा और उसके बाद उसे नींद भी नहीं आएगी और हमें पैसे मिल जाएंगे, क्या समझे? उस बच्ची को कुछ नहीं होगा ना? डर गया। हेलो धर्मन, ओवर। बच्चे लोग एक एक करके गाड़ी से उतर रहे हैं, ओवर। हाँ सारे बच्चे तो उतर गए लेकिन डार्विन की बच्ची नहीं उतरी, ओवर। अब अरे फिर से देखो, ओवर। रुको यहाँ बैठ के सेंस चाहिए, सेंसिबिलिटी चाहिए, भावुकता नहीं चाहिए। क्या हुआ बहन जी? डार्विन की बेटी नहीं दिख रही। किसके बच्ची? डार्विन की बच्ची। हाँ। क्यों देखना है उसे? नहीं वैसे ही मैं देखना चाहता था। वो जो आ रहा है उसकी बेटी। हाँ यहाँ है। अरे बाप रे, जल्दी से भाई को बताना होगा। अरे मेरी साड़ी तो छोड़। हेलो धर्मन, ओवर। राजा भाई, डार्विन। अरे डार्विन का? हाँ वो अभी अपनी बेटी को किस कर रहा है, अब वो उसको टाटा कर रहा है। डार्विन हमें देखा क्या? नहीं। हम लोग बच गए। अब वो गया क्या? पैदाइशी किडनैपर, कभी ऐसा सुना है क्या? नहीं तो। वही है राजा भाई, लेकिन उसके बारे में तुझे कुछ पता है क्या? नहीं। रावण का दूसरा जन्म है। सच्ची? हाँ, मॉडर्न युग का मॉडर्न रावण है वो। राजा भाई का एक एक चाल बिल्कुल शार्प रहता है, दिमाग दिमाग ऐसा चलाता है ना कि उसका कोई प्लान फेल नहीं होता है। हेलो धर्मन, ओवर। राजा भाई, ओवर। वो बच्ची हमारे कब्जे में है, ओवर। हाँ हाँ अपने अंडर में है वो, ओवर। डार्विन भी हमारी नजर में है, ओवर। ओके ओवर ओवर। है टेंशन क्यों ले रहा है? किडनैप वाला प्लान बिल्कुल पक्का है, वो तो ऐसे हो जाएगा जैसे किसी बागीचे से फूल तोड़ना, एकदम स्मूथ, समझा? देखो बच्ची को उठा लिया। अरे इसने मेरे हाथ में दांत काट लिया। अरे ले आओ ले आओ, जल्दी आओ, लाओ बच्ची को। जा मर तू। अरे जल्दी ला। अरे दरवाजा बंद करो। खून खून। अयपन भैया, आप गाड़ी रोकिए, मैं उतर जाता हूँ, लगता नहीं कि आपसे कुछ होगा। हाँ अभी अभी मुझे कुछ मालूम पड़ा। क्या मालूम पड़ा? हे अनिल, तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। कर्नन, नेपोलियन, भगत सिंह, ये तीनों के तीनों मेरे हीरोज हैं। इन तीनों के बारे में तुम जानते हो? ये तीनों के तीनों कभी पराजित नहीं। बहुत देर से सुन रहा हूँ ये सब। हेलो अनिल, तुम मेरे ऊपर विश्वास करो, उसे किडनैप करने का काम इतना इजी नहीं है। देखो इधर, हम लोग उसे जरूर उठाएंगे। हरे। यस बॉस। गाड़ी रोको रोड के बीच में। इस डार्विन की बच्ची की जगह किसी और को किडनैप करें तो कैसा रहेगा? हाँ मैंने देखा,
डार्विन को और विली को, उसको उठाएंगे हम एकदम सिंपल तरीके से। ये एकदम पकी हुई चीज है। हाँ हो गया हो गया, हम लोग उसे उठाएंगे। जब छोटे भाई को उठाएंगे तो बड़े भाई को तकलीफ होगी, छोटी बच्ची को किडनैप करना ठीक नहीं है ना। हाँ हरि, अब हम किसको उठाएंगे? वेट एंड सी। ए विली भाई जरा इधर आना, आजा आजा इधर आना। मुझे बुलाया क्या? पहचाना नहीं क्या? तुमने मुझे पहले कभी देखा है क्या? अरे रे, हम दोनों ने एक ही एड में काम किया था। शिट, मुझे भूलने की आदत है ना, इसलिए समझ में नहीं आया। मैंने आपका एड किया था ना। हाँ। हमने और भाई ने तुम्हें कितना ढूंढा, एक पिक्चर में अच्छा रोल है। सुनो हाँ। वो रोल सिर्फ तुम्हारे लिए लिखा गया है। हाँ? सच में? मेरे लिए? सच में तुम्हारे लिए ही। हाँ विजू अभी कोच्ची में ही है, हम लोग साथ में जाकर देखेंगे। तुम गाड़ी में बैठो। वो अभी मेरी गाड़ी में जाएंगे। हाँ उनको छोड़ो ना, तुम हमारे साथ चलो। एक मिनट भाई, गाड़ी बाद में ले जाऊंगा। गाड़ी बाद में ले जाएगा। चलो किसको किसको, जरा पीछे बैठो ना। हीरो तो आगे ही बैठेगा ना। अभी हीरो नहीं हुआ ना तू। अरे छोड़ो ना यार, तू मुझे विलेन बनाएगा। अरे अरे क्या कर रहे हो? मुझे पीछे क्यों भेज रहे हैं? ए, कितना टाइम लगेगा वहां पहुंचने में? 5 मिनट में। सिर्फ 5 मिनट? हाँ हाँ। कहाँ गया? चाहिए? नहीं चाहिए? नहीं है। नहीं? अरे बोला ना नहीं। ए गुरु, हाँ? ये हरीश भाई हैं। हाँ? ये राजा भाई हैं। राजा हाँ? भाई कास्टिंग डायरेक्टर हैं। उनको देखोगे तो ऐसा नहीं लगेगा। ए, तुम इतना टेंशन में क्यों यार? अरे भाई ये फाइट मास्टर हैं। ओह मास्टर है क्या? मास्टर सॉरी मास्टर, मुझसे मिलिए, मिली मास्टर। अनिल एंडो। क्या नाम बताया? अनिल एंडो। मलयाली है? मलयाली मास्टर है क्या? ये पिक्चर तो हिट हो जाएगी। मास्टर मैंने फाइटिंग का काम ज्यादा नहीं किया है, आगे बढ़ने के लिए आपकी हेल्प चाहिए। हैं? मेरी हेल्प करना मास्टर। मास्टर प्लीज। हाँ वहाँ क्या सलमान खान आए? अरे वहाँ सब लोग आ जाएंगे। हम लोग अभी मेन लोकेशन पर हैं। मैं और मास्टर तुम्हें एक्टिंग करने के लिए सीन देंगे। वो सीन तुमने अच्छे से कर लिया तो तुम हीरो बन जाओगे। चल तू रास्ता दिखा। चलो चलो। अरे जल्दी करना, बहुत छोटा रूम है। हाँ? बाथरूम है? अच्छा है, डाकू के अड्डे जैसा दिखता है। अभी यहाँ डाकू नहीं है, खाली अड्डा ही है। हाँ, यहाँ अच्छा ये बॉटल्स क्यों रखी हुई है? अच्छा लगा ना? हाँ अच्छा लगा। मास्टर अब क्या करूं? तुमको किडनैप किया गया है। हाँ अच्छा हो गया, बहुत बढ़िया। अब तुम अपने भाई को बुलाने के लिए फोन करोगे। हाँ। और तुम्हारे चेहरे पर जो एक्सप्रेशन रहेगा वही हमें चाहिए। अब कहाँ जाऊँ, क्या होगा यहाँ पे? हाँ यहाँ करेंगे। मास्टर शुरू करते हैं। तुम्हारा मुंह बंद करेंगे तो बात कर सकते हैं? मुंह क्यों बंद करना मास्टर, हाथ बांध के एक्टिंग कर लेता हूँ ना। लेता हूँ। हाँ नहीं तो नेचुरलिटी नहीं मिलती है ना। ये कैसे करते हैं? वो ऐसे लास्ट में डायल किया है, लास्ट वही भाई का है। भाई क्या हो रहा है? हाँ उसे बांधने के बाद डार्विन को बुलाना चाहिए था ना। ये आइडिया है, देखो कैसे आराम से चेयर पर बैठा हुआ है। तुम्हारी तरह नहीं है, एक बच्ची ने काट लिया। अब अभी बोलो। हेलो भाई, मुझे लोगों ने किडनैप कर लिया है भाई, डर लग रहा है ये लोग मुझे मार डालेंगे, किसी भी तरह मुझे बचा लो भाई। अरे कहाँ हो तुम अभी? वो सब मुझे नहीं पता है, लोगों ने मेरे हाथ पांव बांध के रखे हैं। छे, किसकी चाल हो सकती है ये? कट कर दिया। ओके हो गया था ना। हाँ और बात करनी थी क्या? नहीं इतना काफी है। अरे एकदम बढ़िया एक्टिंग थी। जो कैसी एक्टिंग रही? हाँ नेक्स्ट क्या है बताओ। ओके अभी विली के भाई को अनिल मास्टर कॉल करेंगे। हाँ। तभी तुम्हारे चेहरे पर थोड़ा एक्सप्रेशन होना चाहिए। हाँ, ओके ओके। हाँ, रिएक्शन रिएक्शन देना है। हाँ। मास्टर मेरी लाइफ बना देंगे। हेलो रिएक्शन देना। रिएक्शन करो, एक्शन। मैं अनिल हूँ, अनिल एंडो, तुम्हारा भाई विली। विली को मैंने किडनैप किया है। आगे 1 घंटे के अंदर अगर मुझे 5-10 लाख रुपया नहीं देगा तो विल्ली को मार डालूंगा। मुझे मत मारो। क्या बढ़िया एक्सप्रेशन दे रहा है ना। हेलो हेलो फोन कट कर दिया यार। है?
वापस फोन करो। वापस करो? हाँ ऐसे ही। कॉल करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो उठाएगा, स्पीकर ऑन करो, स्पीकर फोन से बात करते हैं। हाँ डार्विन तुम्हारा भाई। अरे तू जाना, मैं तुझे अभी पूरे एक घंटे का टाइम देता हूँ। तू यहाँ जिसे भी मारना चाहता है इसे एक घंटे में मार दे और फिर यहाँ से निकल जा, वरना मैं तुझे ही खत्म कर दूंगा। सब गड़बड़ हो गया। हे भगवान, अरे इसने तो अपना नाम भी बता दिया। अरे कोई और नाम तुझे नहीं सूझा क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरा भाई ऐसा ही है, कोई टेंशन नहीं। अरे चुप। क्या हो गया? क्यों, कुछ गलती हो गई मास्टर? भाई तुम जाओ यहाँ से। भाई? आपने मुझे भाई कहा मास्टर? अरे सब प्लान गड़बड़ हो गया। हे भगवान। क्या हुआ मास्टर? अगर मैंने ठीक नहीं किया तो मैं दोबारा करने को तैयार हूँ मास्टर। भाई की बात को लेकर आप इतना टेंशन मत लीजिए, मेरे अपने भाई के साथ संबंध अच्छे नहीं है। हम दोनों है ना, दो पिताजी से हैं। नहीं नहीं, दो माँ हैं। नहीं नहीं मास्टर, मैं एक बार और करूँ क्या मास्टर? भाई तुम जाओ यहाँ से। मास्टर मैं दाढ़ी बढ़ा लूँगा मास्टर, मैं बॉडी बना लूँगा। कितने सारे फोटोज हैं, देखिए मास्टर, ये देखिए, इसमें वकील बना हूँ मास्टर, इसमें पुलिस वाला, आपको पसंद आएगा। ये देखिए, ये पुलिस ड्रेस में है। ये देखिए इधर, कैसा लग रहा है ये? ये देखिए, ये अच्छा है। इससे पहले का फोटो दिखाओ जरा। वो हाफ टट्टी में खड़ा हूँ वो। इससे पहले का फोटो दिखाओ। ये नहीं नहीं, इसमें पर्सनल फोटोज भी हैं। प्लीज भाई, भाई को मालूम पड़ेगा तो प्रॉब्लम होगी। सेंट थॉमस चर्च में सोने की बनी हुई मूर्ति है ना? हाँ प्लीज मास्टर। राजा भाई। हाँ क्या हुआ? ये कौन सी जगह है? ये तो मुर्गी फार्म, और डार्विन भी है। ये डार्विन का मुर्गी फार्म है। भगवान, मुर्गी फार्म है? हाँ। अब मैं जाऊं? प्लीज सच बता, वरना मैं तुझे मार डालूंगा। जब चर्च फिर से बनाया जा रहा था तो मैंने और भाई ने ओरिजिनल सोने की मूर्ति की जगह डुप्लीकेट मूर्ति रख दी थी। भाई को मत बताना प्लीज। कट कट कट। क्या? कट 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 कट, छोड़ दो छोड़ दो। कट कट। ये क्या? अरे इसको मारा क्या? ये सब मास्टर की एक्टिंग है। एक्टिंग कर रहे थे? और नहीं तो क्या? मैंने तो सोचा कि वास्तव में मेरा गला भी दब गया। क्या है अब जाने दो। Enough. We have there so many time before, and those who have perfect deal. Why should be worry now? अरे तूने पहले से ही इससे बात किया था ना, ये क्या है? इन लोगों को कितनी बार बताकर यहाँ लाया हूँ। वो आदमी को देख, जैसे यहाँ का ऑपरेशन करा के आया है, ऐसे बैठा जैसे सबको मार खिलाने के लिए लाया है। इन लोगों के जैसे तो अपने भाई लोगों के बीच में भी नहीं है। भाई अब मैं क्या करूँ, बोलो भाई। तूने इन्हें पहले से बताया था ना? मैं बोलता हूँ भाई, मैं बोलता हूँ। लिसन, अर्ली मॉर्निंग कमिंग मनी एंड आई विल गिव यू मूर्ति। हाँ भाई। किधर है तू अभी? हाँ मैं इधर ही हूँ। तू कहीं पर गया था क्या? नहीं भाई, मैं तो कहीं नहीं गया। जरा देख उधर मूर्ति है क्या? क्या भाई? जाके देख मूर्ति है क्या। मूर्ति दिख नहीं रही है, आप लेकर गए क्या? ये कैसी बकवास कर रहा है तू?
मूर्ति को संभालने की जिम्मेदारी मैंने तुझे दी थी। कहाँ गई मूर्ति? अगर नहीं मिली तो मार डालूंगा तुझे। हे मैन, व्हाट्स योर प्रॉब्लम? तेरी माँ विधवा हो गई है, बस मुझे यही प्रॉब्लम है। हे, व्हाट हैपेंड टू हिम? सैंडविच। व्हाट्स रॉन्ग विद हिम? योर मदर हस्बैंड डेड। व्हाट्स? जो गया उसे जाने दो। कोई भी यहाँ से जाएगा नहीं। कोई कहीं भी लेकर नहीं जाएगा। वो गरम खोपड़ी का है, एंग्री मैन। भाई का खास आदमी था। व्हाट्स रॉन्ग? व्हाट हैपेंड? एक कालिए, यू पुट मनी, भाई तुम्हें मूर्ति दिखा देंगे। समझ में नहीं आ रहा है कि डुप्लीकेट मूर्ति के लिए उसने बत्ती जलाई क्यों? हाँ? वो तो चर्च को तोड़कर बनाया गया था मूर्ति को निकालने के लिए। सही बात है ना बिली? हम लोग इतने बड़े चोर हैं और हमारे दिमाग में ये बात नहीं आई और उस डार्विन ने ये कर दिखाया। हे भगवान, उस मूर्ति को बचा ले। मूर्ति, मैं अभी एक खेल खेलने जा रहा हूं। पकड़ इसको। कहीं के भी पागल लोग हमारे कोची में आकर खेल खेलेंगे तो हम छोड़ देंगे, मार डालेंगे। ये लो भाई। इधर आके हीरोगिरी दिखाता है तेरी तो। भाई, ये तुम्हारी जगह है, चारों ओर तुम्हारे आदमी हैं। मैं अकेला ही यहाँ आया था। अगर लड़ना है तो मेरे साथ अकेले दो दो हाथ करो। अगर लड़ने की हिम्मत है तो अपने आदमियों से कहो कि साइड हो जाए। डार्विन, लड़ने के लिए और 10 लोग लाओ और यहीं हिसाब किताब करो, बाद में मूर्ति नहीं मिलेगी। मेरा कुछ काम है, बाद में मीटिंग करके फैसला कर लेंगे, वरना मूर्ति को भूल जाओ। अगर सही में मूर्ति को हासिल करना है तो वो तो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन उसके बाद कोई लफड़ा नहीं चाहिए। तो इधर से जिंदा जाएगा तब ना? मैं जाऊंगा, क्योंकि मूर्ति जब तक मेरे पास है तब तक तू मेरा कुछ भी नहीं कर सकता। एंथोनी चर्च के अंदर जो मूर्ति रखी है वो ओरिजिनल मूर्ति नहीं है, बल्कि कलर मारी हुई ड्यूप्लीकेट मूर्ति है। बात समझ में आई मिस्टर डार्विन? अबे सुन, थोड़ा पानी मिलेगा? Thank you.
बैठ जाओ। मुझ पर जो हमला किया था वो स्टाइल मुझे पसंद आई। मैं भी भाई से मिलने आ रहा हूं तो स्टैंडर्ड तो रखना ही चाहिए ना। मेरा जो कुछ चला गया वो सब मुझे वापस चाहिए। मेरा बच्चा चला गया, उस बात का दुख मैं और मेरी पत्नी मिलकर बांट लेंगे, लेकिन मेरे घर से जो भी सामान तेरे आदमी उठा के लाए हैं वो सब वापस चाहिए। इसका सारा सामान इसे दे दो। हाँ मंगा के दे देंगे। मेरे घर से जो सामान ले गए थे वही वापस चाहिए, ज्यादा चालाकी नहीं। वो सारे सामान के पीछे मेरा सुख है, दुख है और मेरे दोस्तों का प्यार शामिल है। वो सब तो नहीं मिलने वाला। और सुन, मेरी पत्नी के आसपास और मेरे दोस्तों के आसपास तेरे गुंडों में से एक भी गुंडा नजर नहीं आना चाहिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन उसके लिए मैं सारा बंदोबस्त करके आया हूं। कांच के गिलास 6, स्टील गिलास 8, स्टील प्लेट 8, फाइबर प्लेट 4, कटोरी 5, चम्मच 5, स्पून 8 और कांच के प्लेट 12, स्टील के बर्तन 3 और मिट्टी के बर्तन 2, भाजी बनाने के बर्तन 4, एक प्लास्टिक बेसिन, ग्लव्स 2, एक लाल और एक हरा, पापड़ फ्राई करने का एक बर्तन, पापड़ निकालने का एक पौना और रखने का एक स्टैंड, चाय का बर्तन, चाय की छन्नी, डोसा बनाने का पत्थर, लोखंड का बर्तन, एक कुकर, गैस स्टोव और 4 मुर्गों के घर, 3 मोबाइल फोन और एक साइकिल। दूसरी लिस्ट बाद में दूंगा। हाँ एक सामान मिस हो गया, वो बताता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, मिक्सी, फैन, टाइम पीस, आयरन बॉक्स, ट्यूबलाइट, 0 बल्ब और एक चोक, मच्छर का बैट और फ्रिज स्टेबिलाइजर, 12 शर्ट, 4 पैंट, 4 नाइटी और 5 साड़ी, चप्पल की 4 जोड़ी। मेरी वाइफ का मिला के बोल रहा हूँ। बाइक कावासाकी KB 100, 4 बेडशीट और 4 तकिया, चटाई और एक पलंग। इन सबके अलावा 10-15 दिन जो मेरी नींद खराब की उसके लिए 10 लाख रुपए तू मुझे देने वाला है। दस लाख? इधर आ। क्या भाई? इसका सारा सामान कहाँ रखा है? भाई ये सब सामान अलग अलग जगह पर भेज दिया है। कांच का ग्लास ऊपर रखा हुआ है और पलंग को नीचे रख दिया है। लेकिन है किसके पास? हे भगवान बचा लेना। ओ जी। हाँ? आप भगवान के भक्त हो ना? भक्त नहीं है, वो कोई आदमी है, आकर झांक कर देखे, इसीलिए मैंने इसे लगा दिया। अपना कोई ऐसे देख लेगा तो गए काम से। तुम बैठो यहाँ। क्यों तुम्हारे चेहरे पर नाराजगी है? ये सब कैसे मालूम? क्या हुआ? तुम पहले आके बोले थे ना झांकी से देखेंगे ना, तुम्हें ये सब कैसे मालूम हुआ? अरे मैं ऐसे वैसे गंदे कामों में नहीं जाता हूँ। छे ये सब खराब काम मैं थोड़ी करूंगा। क्या हुआ? तुम भी ऐसे ही देखते थे। इस टाइम पर ये थोड़ी पीऊंगा। मतलब इस समय दूध पीने की आदत नहीं है ना। बिंदु। हाँ? कल से तुमने मुझे बिंदु क्यों बुलाया? अरे प्यार में बिंदु निकल गया, कल से जो निकलेगा बोलूंगा और तुम्हें काट लूंगा।
तुम्हें मालूम है आज हमारी पहली रात है। आज की रात हम ऐसा कुछ करेंगे कि जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। हम दोनों ना एक दूसरे को पकड़कर पूरी रात जागते रहेंगे, आंखों में आंखें डालकर एक दूसरे को देखते हुए रात गुजार देंगे। क्या सारी रात ऐसे ही बैठे रहेंगे? तुम बड़ी शरारती हो। भाई एक प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम है? वो जो आपने पलंग लिया था ना, उसकी शादी हो गई है और आज उसकी फर्स्ट नाइट है। दरवाजा भी बंद है। दरवाजा तोड़ के पलंग लेके आ जा अभी। ये करना ठीक होगा क्या भाई? वो हमारा पुराना साथी है, महाभारत नाटक करते थे तब वो हमारे टीम में था। हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? महाभारत का वेद व्यास है क्या तू जो मुझे शिक्षा दे रहा है? वो सब कुछ तो हम लोग नाटक में करते थे ना भाई। पलंग हम सुबह ले लेंगे तो? हाँ ये ठीक है, कल सुबह तो पलंग फ्री हो जाएगा ना भाई, अभी लेना अच्छा नहीं है। ठीक है कल लेके आना। भाई टाइम बहुत हो गया और मैं चैन से सोया भी नहीं हूँ, इसलिए आज रात अपने खुद के पलंग पर सोने की मेरी इच्छा है। पलंग तुम खुद ही आज रात मेरे घर पे छोड़ देना। नींद ना मुझको आए, सोया प्यार जगाए, चुपके चुपके नींद से मुझको। कौन आ गया अभी? आज तो इसको मार डालूंगा, पता नहीं कौन गधा है। कौन आ? क्या हुआ भाई? आप तुम जरा इधर आना। आओ। आज तुम्हारी फर्स्ट नाइट है ना? हाँ भाई आज फर्स्ट नाइट है। तूने मेरे जिस आदमी से पलंग लिया था वो अभी मुझे चाहिए। यानी जिस पर मैं सो रहा हूँ उसी पलंग की बात कर रहे हो? पर तुझे उसे वापस करना होगा। जा। छी, ऐसी बात मत करो ना भाई। जा। भाई प्लीज ऐसा मत करो, मैं 40 साल से अपने सुहागरात का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। भाई आप मेरी फर्स्ट नाइट को लास्ट नाइट मत बनाओ ना। देख पलंग तो मैं यहाँ से लेके ही जाऊंगा, जा लेके आ। ये क्या भाई, आप किसी भी तरह पलंग लेकर जाओगे? लेके ही जाऊंगा। ले जाओगे? छे, फिर मुझे सिर्फ एक घंटे का टाइम दे दो भाई, एक घंटे बाद पलंग दे दूंगा। एक घंटे की बात है प्लीज भाई। एक घंटा दे दो ना भाई, एक घंटे को बीतने में कितना समय लगता है, तब तक चाय पी के आते हैं भाई। जा। अरे एक घंटा लेट मत करना। क्या मुसीबत आ गई, बहुत गर्मी पड़ रही है भाई, उसको बोलो ना खिड़की खोलने के लिए। एक दूंगा ना। भाई तुम्हारी फर्स्ट नाइट कैसी थी? तेरी तो कैसी बात कर रहा है तू? बैठ जाओ चुपचाप, बैठो ना। सुनो, मेरे घर से जितना सामान तेरे आदमी लेकर गए थे मेरे घर में आने तक तुझे छीनना पड़ेगा, और बस वही तेरा काम है। वरना तू तो जानता है कि वो सोने की मूर्ति तुझे नहीं मिलेगी, इसलिए जो पूछा है उसका जवाब दे। कैसी थी तेरी, अरे बोलना, फर्स्ट नाइट? पकड़ा।
ग्लास है क्या? नहीं है भाई, ये ग्लास मेरा नहीं है। कब समझे? मेरा तो 14 रुपए का ग्लास है। काम बजाने में भाई, चार्ज करने के लिए रखा हुआ है, चार्ज हो जाए तो ले जाना। तू लेके आ अभी। भाई गुस्सा मत करो भाई, भाभी ने चार्जर में लगा के रखा है। कहाँ ना लेके आ उसे। तू यहीं रुक, मैं लेकर के आता हूँ। और कुछ मत उठाना। सर, मेरे घर में जा रहा है। रुक, गाड़ी रुक। औरों को खुद मारने वाला अक्सर आके बिक जाए। धोखा लोगों को देने में समझे अपनी चतुराई। अकल का पहले ना जाने असल में धोखा वो खाते। भाई धंधा अभी चालू किया है, अगर सुबह पहुंचा देंगे तो नहीं चलेगा क्या? बिल्कुल नहीं चलेगा। निकाल जितने भी पैसे कमाए सब दे के जा। अरे भाई वो गरीब लोग हैं, उनका धंधा क्यों खराब कर रहे हो? अरे चलने दो भाई, चलने दो, चलने दो। थैंक यू। मुझे एक डबल आमलेट देना, तीखा बनाना। हाँ छोड़े, दो डोसा देना। भाई एक मिनट रुक जाओ। हाँ? तेरी तो ओके ओके, क्यों ना एक चाय हो जाए। सुनो, सेंट एंथनी चर्च किधर है? सोने की मूर्ति वाला चर्च है ना? अरे जाओ ना यहाँ से, मुझे क्या पता। अरे तू पागल हो गया है क्या? कब समझे अपने लगता है खुद हंसते। भाई हम लोग को लेके जाएगा क्या? वो उधर सोने का धंधा करते हैं अपने हसन भाई के बारे में, सुना है क्या तुमने? नहीं। नहीं तो देख लो। डार्विन, अरे कहाँ हो आजकल? बहुत दिनों के बाद तुम्हें देख रहा हूँ। वो दरअसल अपने बिजनेस में बिजी था थोड़ा। वो नया आदमी कौन है? मेरे साथ काम करता है। ऐसा लग रहा है तुम कुछ तकलीफ में हो। नहीं नहीं कोई खास बात नहीं है, वो पिछले महीने जो मैंने तुम्हें फ्रिज दिया था वो मुझे वापस चाहिए। अब ऐसा बोलोगे तो मैं तकलीफ में आ जाऊंगा। वैसे तुम्हें फ्रिज का करना क्या है? ये नहीं बता सकता कि करना क्या है, बस मुझे वापस चाहिए। बसीर, पिछले महीने जो लोडिंग हुई थी उसे कहाँ भेजे? उसे चाइना भेजा था। हाँ वो चाइना में है। वो चाइना में है? मैं तो इंडिया में खड़ा रहूंगा। अरे सुन, ये कौन सी मच्छी है? झींगा है। डार्विन तुम बहुत ही लकी हो। हाँ वो फ्रिज तुम्हें मिल जाएगी। हाँ वो इधर ही है, बस हमें उसे ढूंढना पड़ेगा। ढूंढना पड़ेगा? क्या है कि जब हम लोग पिछले महीने लोड कर रहे थे तो कस्टम वाले आ गए, तो हम लोगों ने सारे सामान को समुद्र में डाल दिया। फिर वापस नहीं लिए? अरे लिए ना, अपने सारे सोने लिए और फ्रिज को अंदर ही छोड़ दिया। अरे सुनो, उस फ्रिज को तो समुद्र में डाल दिया, तो अब क्या करोगे? मेरा फ्रिज लाल नहीं था, नीला, नीला फिलिप्स। तो करा दूंगा ना। ये अच्छा दिखता है। मेरे पास ही रहने दो।
कितनी गर्मी है यहाँ। हम लोग एक एक बियर पीते हैं क्या? अभी लाया भाई। अरे डार्विन ये ठीक बात नहीं है, उससे बोलो मैं नई फ्रिज लेकर देता हूँ। पुरानी फ्रिज किस काम की? तुम्हें डर लगता है तो मैं जाके बोलता हूँ। अरे वो बिल्कुल नहीं सुनेगा। अरे तुम उससे डर क्यों रहे हो? तुम्हारी कोई कमजोर नस पकड़ी है उसने? अरे बात क्या है मुझे बताओ तो। ऐसी कोई बात नहीं है जिसे मैं बताऊं। हाँ, चिंता मत करो मिल जाएगी। हाँ? डरो मत, वो फ्रिज तुमको मिल जाएगी, हम लोग उसे ढूंढ लेंगे। हाँ? हेलो सुब्बू, नहीं मैं थोड़ा बिजी हूँ। वो क्या है कि लगता है डार्विन किसी घर के लफड़े में फंस गया है। अरे नहीं नहीं मैं हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। क्या बोल रहे हैं? ओके आई गॉट इट ओके ओके। भाई भाई फ्रिज मिल गया भाई। सुनो ये है तुम्हारा फ्रिज, ठीक है ना? ये तो पूरा खराब हो चुका है यार। हैं? भाई ये काम करो, फ्रिज मुझे एक नया लिखे दो। ये सैमसंग का डबल डोर वाला, उसमें से एक लिखे दो। क्या हुआ? मैंने तभी बोला था कि एक नई फ्रिज इसे लेकर दे दो, तब तुम क्या बोले थे? वो नहीं मानेगा, उसको अपनी ही चाहिए, अब नहीं लेकर दो जाओ। सैमसंग अच्छा है ना? मेरे घर में भी वही फ्रिज है। ये क्या बाएं बाएं कर रहा है यार? हम लोग जाकर उसका उधर कुछ करेंगे और वो बाइक लाकर देंगे तो हमारी मूर्ति मिल जाएगी ना, उसके बाद मैं इसे बताता हूँ। भाई भाई अपनी बाइक किधर है मालूम पड़ी क्या? वो सोलोमन के गोडाउन में है, आप वहां जाओगे तो वो आपका पैर काट देगा, ऐसा कह रहा था वो। ए, बोल रहे डार्विन का फोन आया था, वो बाइक लेने के लिए आ रहा है। डार्विन बाइक आने दो। अंडा है ना? हाँ। तुम्हारी गाड़ी कौन सी थी? KB 100। कितने की रही होगी? वो तो 3,000 रुपया होगा ना? नहीं नहीं वो 30,000 है। मैं तुम्हें एक नई पल्सर ला के दूं क्या? पल्सर? हाँ। नहीं। हाँ मुझे, हाँ मेरी KB 100 है वही बस है। यही है क्या सोलोमन? अच्छा है, सोलोमन भाई मेरे बाइक के ऊपर ही बैठा है, गाड़ी लेने के बाद ही मुझे बुलाना। सर आपको
मैटर कुछ तो पता चल ही गया ना। तुम्हारा ये जो भाई है ना, वो मेरी गाड़ी ले गया था और अभी वो गाड़ी उसके पास ही है। अब तुम जाके वो गाड़ी लेके आओ। मैं जाऊं? जाके गाड़ी लेके आओ। अच्छा नहीं है ये। क्या सोलोमन, मैंने सुना तू मेरे पांव काटेगा। ठीक है, कल परसों में जैसे तुम्हें टाइम मिले काट लेना, पर अभी ये बाइक मैं लेने आया हूं। अभी जरा साइड में हट जाओ, जा ले क्या। कैसे 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 कैसे? तू मेरे पास आके बाइक लेके जाएगा क्या? तू यहां से बाइक लेके जाएगा क्या? डार्विन, तुम्हारे एरिया में मैं आऊंगा तो तुम मेरा सिर काटोगे, ऐसा बोला था ना तुमने। लेकिन तुम मेरे एरिया में, मैं तुम्हारे पैर नहीं काटूंगा क्या? ए! लगता है किसी पिक्चर की एक्शन चल रही है।
तुम्हारा सारा सामान मैंने तुम्हें दे दिया, अब तो बता दो मूर्ति कहाँ है। तुम जितने पैसे चाहते थे वो सारे पैसे इसमें हैं। अब बता दो मूर्ति कहाँ है। मूर्ति तुम्हारे आइस प्लांट के अंदर स्नान करा के सुला दी है। हाँ? तुम्हारे किसी आदमी को डार्विन्स आइस फैक्ट्री के वाटर टैंक में जाकर देखने के लिए बोलो। हाँ? वो उधर ही है क्या? हाँ हेलो। हाँ ऊपर जाके वाटर टैंक देखना, उसमें कोई सामान है क्या? हाँ भाई आपकी मूर्ति यहाँ है। आपने मूर्ति यहाँ कब डाली भाई? कुछ मत कर तू, अभी नीचे उतरा। किसी काम के नहीं है ये लोग। तुम मुझे अच्छे लगे, ये सारे के सारे नालायक और निकम्मे हैं। मैं चाहता हूं तुम मेरे साथ रहो। एक बात बोलूं, मैं अपने गांव से कोची में वाइफ के साथ सिंपल लाइफ जीने आया था। एक सच्चा क्रिश्चियन हूं इसलिए ज्यादा आशा नहीं है, दूसरा कोई रास्ता नहीं मिला और अब मेरे पास खोने के लिए भी कुछ नहीं है। तभी ईश्वर ने मुझे ताकत दी और अब मैं ये खेल खेल रहा हूं। लेकिन अभी भी कुछ तो है जो जाने के लिए बचा है, ऐसी एक फीलिंग है, इसलिए मैं नहीं आ सकता, मुझे छोड़ दो। क्या हुआ, इतने खामोश क्यों हो, कुछ बोलते क्यों नहीं? मूर्ति मिल गई तो मैं उसे सुला दूंगा, मार दूंगा, ऐसा कह रहा था वो। मैं वही करने के लिए बैठा था, बाद में मालूम पड़ा कि उसकी तो कोई गलती ही नहीं थी।
अगर उसने सोलोमन की तलवार नहीं पकड़ी होती तो मेरा सिर ही अलग हो जाता। अब जिसने मेरी जान बचाई उसे मैं कैसे मार दूं? भाई क्या कह रहे? अरे उसका बेटा मर गया था, अगर हमारे साथ ऐसी कोई घटना होती तो हम चुपचाप बैठते क्या? तकलीफ तो होगी ही ना, चाहे फिर कोई भी हो, हमें उसे माफ कर देना चाहिए। ये कैसी बात कर रहे हैं, दिमाग खराब हो गया क्या? मेरा दिमाग बिल्कुल सही है, मैंने जो किया बिल्कुल ठीक किया, सोच के तो देखो। भाई वो देखो परी, अरे देखो ना वो देखो। हाँ कहाँ? हाँ रुको, वो देखो भाई, तुमने देखा क्या? देखा क्या तुमने भाई? देखा? हाँ, वो देखो। परी है क्या? परी कहाँ है, मुझे तो नहीं दिख रही। अरे कोई परी नहीं है, क्या बात कर रहे हो? वो सोने की मूर्ति खड़ी है, मूर्ति को मैं देख सकता हूँ। कहाँ पर है? मूर्ति मुझे देखने को मिली। अरे हाँ, मूर्ति देखने को मिली। क्या बात है? तूने मुझे बेवकूफ बनाया। हाँ, उस मूर्ति के सामने मेरी पत्नी ने मोमबत्तियां जलाकर जो प्रार्थनाएं की हैं उसका ये फल है। उसकी प्रार्थनाएं उस मूर्ति ने सुन ली, इसलिए इस खेल में सब कुछ ठीक हो गया। अभी मुझ जैसे हजारों भक्तों के पास जाकर तुम्हें हाथ जोड़ना है भाई, इसलिए मैं बता रहा हूं, एंथोनी चर्च की मूर्ति को यहां से ले जाने के लिए मैं साथ नहीं दूंगा। दिल से तुम प्रार्थना करो, तुम लोगों को मूर्ति माफ कर देगी। सुनिए, खाना खा लीजिए। हाँ आ रहा हूं, फिर मुझे अच्छे से सोना है। हे परमेश्वर, मुझसे जो भी गलती हुई हो उसे मुझे क्षमा कीजिए, मैं आपको प्यार करता हूँ। जाने अनजाने में जो भी गलतियां मुझसे हुई हैं उसके लिए मैं सच्चे हृदय से प्रायश्चित करता हूँ। डार्विन, अरे तेरी तुम्हें इशु इशु इशु, तुम अभी यहां से चले जाओ, मुझे तुमसे अभी कोई बात नहीं करनी। और सुनो, तुम भी इसके ऊपर भरोसा मत करना, भरोसे लायक नहीं है ये। भाई एक मिनट, एक मिनट। ये मेरा बेटा है, कल इसका मामूली शा था, इसलिए तुम्हें दिखाने के लिए लाया हूं। अरे रो क्यों रहा है, कुछ नहीं करेंगे ये, मामा बहुत अच्छे हैं। जानते हो इसका नाम मैंने डार्विन रखा है। डार्विन, चलो चलते हैं, बच्चे को सुला देना। मुझे जो चाहिए वो छीन लेना है, ये डार्विन का सिद्धांत था। हिसाब किया जाए तो मुझे वो मिल गया है, लेकिन अपने गांव से जीरो लेकर मैं कोचीन में आया था और अब मैं कुछ बन गया हूं, ये सब तुम्हारी वजह से। इसलिए मुझे भी तुम्हारे लिए कुछ करना है, कुछ तो करना पड़ेगा। भाभी अंदर आइए। स्टेफी की नई अम्मी है ये, मैंने सब कुछ बता दिया है।
अब वो तुम्हें एक अच्छा इंसान समझ रही है और अपनी नजरों में तुम्हें पश्चाताप के हिसाब से देखती है। अगले महीने में तुम छूटोगे, उसके बाद उससे शादी करके अच्छे से जिंदगी जीना, मेरे सर पे चढ़ के नाचना मत, ठीक है ना? तुम दोनों बातें करो, हम चलते हैं। अरे अरे किस लिए रोता है, हा? ऐसे रोना नहीं। लोग अपने सुंदर बच्चे का नाम डार्विन रख सकते हैं क्या? मेरा प्यारा बच्चा, आओ मत रो मत रो। अच्छा अच्छा यहाँ दीजिए, आजा। ओ ओ ओ ओ, ये बताइए आप इस स्टोरी में हीरो है या विलेन? ये तो तुम्हें बताना है। मतलब विलेन हो। अनिल एंडो अमला के साथ कोची में सेटल हो गया। प्यार ज्यादा होगा तो बच्चों को कभी कभी प्यार से गोरिल्ला बुलाते हैं। किडनैपर अय्यप्पन, सॉरी अय्यप्पर पिल्ले, अभी वो सोनी डायरेक्ट के टेक्नीशियन हैं। कर्नन, नेपोलियन, भगत सिंह और बाद में अनिल एंडो, इनको ये हीरो मानता है। गोरिल्ला डार्विन अभी एक काउंसलर डार्विन हो गए हैं। गरीब बच्चों के लिए फ्री फंड का स्कूल चलाते हैं और अच्छे हस्बैंड के हिसाब से अपनी जिंदगी जी रहे हैं। एंथोनी चर्च में सोने की मूर्ति के सामने आज भी लोग मोमबत्ती चलाकर दिल से प्रेयर करते हैं। और भी 1000 परिणामों का ये एक विटनेस रहेगा। अरे आपके बाल कट गए क्या? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, क्या हो गया, क्या काम है, क्या काम है? मैं काफी टाइम से आपको ढूंढ रहा था। आपकी किस्मत अच्छी थी कि आप मुझसे मिले। मेरा मतलब मेरी किस्मत अच्छी अच्छा, थी। अच्छा सर, परसों आपकी जो पिक्चर चालू हो रही है उसमें मुझे हीरो का रोल देंगे। चालू होने वाली फिल्म में तुम हीरो बनोगे? हीरो का रोल। सर वैसे साइड रोल कर लेता पर मैं डिफरेंट दिखता हूँ ना, इस तरफ से देखेंगे तो अलग दिखता हूँ और अगर बैक से देखेंगे तो मैं बिल्कुल अलग दिखता हूँ। अलग दिखता हूँ ना, आप कहें तो मैं दाढ़ी बढ़ा लूंगा, मैं हाइट भी कम कर सकता हूँ सर, आपकी तरह मोटा बन जाऊंगा सर, मतलब खूबसूरत। सर आपको पता नहीं है मेरे अंदर कितनी खूबियां हैं, बताइए सर मैं खूबसूरत दिखता हूँ ना? ऐसे क्या देख रहे हैं सर, बताइए। तुम्हारा नाम क्या है? बिल्ली। आप कहें तो चेंज कर सकता हूँ, पिक्चर के लिए चेंज कर दूंगा। बिल्ली मैं तुम्हें अपनी फिल्म में काम दूंगा। अच्छा एक सीन है। ओके सर, ओके, बस थैंक यू सर, थैंक यू, काम दीजिए, मेहनत करूंगा, एक दिन मैं सुपरस्टार बन जाऊंगा सर।